स्वागत है आपका जीकी खबर नाउ 24x7 में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में कटरा के वरिष्ठ नागरिकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि नगर में श्रद्धालुओं की सुख सुविधा में बढ़ोतरी के लिए कदम उठाए जाएंगे और जो काम पिछले कुछ समय से रुके पड़े हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिसमें सैनिटेशन, सीवरेज, बिजली को लेकर और मार्गों की मरम्मत को लेकर जो भी कमियां हैं उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया जल्द ही अगले 15 दिनों के आसपास धनसर से लगभग 16 लाख गेलन पानी नगर कटरा को मुहैया कराया जाएगा, जिससे कि पानी की कमी को दूर किया जा सकेगा और कटरा के नजदीक हेलीकॉप्टर के लिए जो जगह सेलेक्ट की गई थी वो भी फाइनल मुकाम पर है और जल्द ही नया हेलीकॉप्टर बनने जा रहा है। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। सारी चीजें अब जो है हो रही है, जो बिजली के सिलसिले में और पानी के सिलसिले में आपको ये बताऊं कि जो धनसर की वाटर सप्लाई स्कीम है ये लगभग 16 लाख गैलन के लिए ये तैयार की गई थी। 8 लाख गैलन निकल रहा है और अगले 15 दिन में पूरा 16 लाख गैलन जो का पानी है वो इस पूरे टाउन को मुहैया होगा, जो इसकी जरूरियात है। इसके अलावा लोग पानी जो टैंकर से लाते हैं उसमें बहुत कमी आ जाएगी, लगभग वो बंद ही हो जाएगा। और मगर फिर भी हमने कुछ फिलिंग पॉइंट भी रखे हैं ताकि अगर कभी लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो सरकारी रूप से जो हमारे फिलिंग पॉइंट है वहाँ से लोग पानी भर सकें। बिजली के सिलसिले में भी जो यहाँ पे काम चल रहे हैं, कुछ काम यहाँ पे जैसे रिसीविंग स्टेशन का काम है, वहाँ पे ऑगमेंटेशन का काम है या अंडरग्राउंड केबलिंग का काम है, उसका भी अंडर प्रोसेस है। तो बिजली के सिलसिले में मैं समझता हूँ कि टाउन को आने वाले कुछ महीनों में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सैनिटेशन का एक इशू है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसके लिए कि एक जो प्लांट है वो टाउन से कुछ दूर पे लगाया गया है, उसके टेंडर्स जो है वो फाइनलाइज हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी वो काम हो जाएगा और बड़ी दरीना जो एक डिमांड थी, एक ज़रूरत थी, वो इस टाउन की पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ बाणगंगा और बाकी जो हमारे टाउन में दीगर जगहें हैं और इलाके हैं जहाँ पे कि सीवरेज की अशक ज़रूरत है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो अंडर फॉर्मुलेशन है। यहाँ के इंजन साहब जो हैं उनको हमने बताया है कि वो खुद जाके हर एरिया का सर्वे करेंगे और एक महीने के अंदर अंदर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो देंगे, ताकि जो सीवरेज और उसके बाद उसका डिस्पोजल है जो एसटीपी के माध्यम से जो हमारा माइक्रो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा और इसके बाद इसकी जो है वो फंडिंग के लिए इसको स्पॉन्सर किया जाएगा। तो इस तरह से हेल्थ के मुतालिक भी जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं डॉक्टर्स के, उनका काम शुरू हो चुका है और कुछ मशीनरी इक्विपमेंट आना है वो भी बड़ी जल्दी, एक सवा महीने में, जैसे डिजिटल एक्सरे और कुछ और मशीन हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाई जाएंगी। मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक जो न्यू हेलीपैड बनना है उसके लिए भी जो जगह मुकर्रर की गई थी वो भी फाइनलाइजेशन पे है और बड़ी जल्दी यहाँ पे हेलीपैड भी जो है एक सिटी के नज़दीक जो अभी का हेलीपैड जो इनसफिशेंट है उसको पूरा किया जाएगा। फायर सर्विसेज को लेके, चूँकि डिज़ास्टर आपदा के साथ ये जुड़ा हुआ है, फायर सर्विसेज का एक स्टेशन जो है बन चुका है लगभग 7,000 की कैपेसिटी का और उनकी बिल्डिंग का भी काम पूरा हो चुका है। तो मैं मोटे मोटे तौर पर बोलूँगा कि टाउन में बहुत सारे काम जो पिछले कई सालों से जो पेंडिंग थे वो बड़ी जल्दी पूरे हो जाएंगे, जैसे पानी का खासकर मैंने बताया। और